हेलो बच्चे, अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 2x² + 5x + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में, नहीं तो वहाँ पर हमने क्या फाइंड किया था, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन। तो हम लोग उसी चीज़ का यूज किया। आप यहाँ पर देख रहे हो, एक क्या दिया अल्फा प्लस बीटा है और एक क्या है अल्फा इंटू बीटा है। अगर इस दोनों वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो इसी दोनों वैल्यू को हम लोग क्या करें, हम लोग ऐड करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ से पुट कर लेते हैं, तो माइनस बी बाई ए क्या जाएगा, तो माइनस बी, बी क्या हमारे यहाँ पे 5 है। ठीक है, और ए कितना हमारा यहाँ पे 2 है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/2। ठीक, सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा को निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, और यहाँ पे सी कितना है, 1 है, और ए कितना हमारा 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2 पुट कर लो, तो ये हमारा आ गया एक अल्फा प्लस बीटा -5/2 और अल्फा इंटू बीटा 1/2, और इसी का क्या करना है, हमको ऐड करना है। इधर लिखो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसको ऐड करो सिंपली। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -5/2 +1/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो कहते हैं एलसीएम 2 हो जाएगा, -5 + 1 तो कहते हैं -4, इसको सॉल्व करने के हैं -2। तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 3x² - kx + 6 इज 3। ठीक है, आपको इस पॉलीनोमियल का सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें जो k है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोज दिया हुआ है, जीरोज का सम दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ कितना, -3 दिया हुआ। ठीक है, अब मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। यहाँ से वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, तो -b, तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा, के माइनस किया जाएगा, तो -++ k बाई a कितना है, यहाँ पे कोफिशेंट 3 है। ठीक है, तो k/3, और इसका सम कितना है, 3 दिया हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा वैल्यू बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे k/3। ठीक है, और इसका मान कितना है, 3 है, यहाँ पे 3 पुट कर लेंगे, इसको मान लीजिए क्वेश्चन फर्स्ट, 3 इक्वल टू k/3, देयरफॉर k = 3 का 9। ठीक है, दिस इज योर आंसर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर रिस्पेक्टिवली -1 and -12। तो आपसे पूछ रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पूछ रहा है जिसका सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपको दिया है -1 and -12। तो आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करना है। तो सिंबल से आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फॉर्म क्या होता है, जब हमको दिया हो अल्फा और बीटा दिया होता है, फॉर्म होता है x² - α + β x (α×β), और आपको यहाँ पे दिया हुआ क्या, सम दिया हुआ है। ठीक है, तो सम किसका दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, -1 है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना, -12 है, अल्फा इंटू बीटा -12। तो आपको इसी वैल्यू को आपको इसमें और इस वैल्यू को इसमें पुट करके इसके इक्वेशन को आप फाइंड कर लो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, इक्वेशन बन जाएगा x² - तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1 है। ठीक है, तो -1 × -1 का है +1 का मतलब हो गया x। ठीक है, और प्लस और अल्फा इंटू बीटा कितना है, माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, -12। तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा x² + x - 12, यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा x² + x - 12, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ में आया आपको, हमने क्या किया, इसमें आपको क्या दिया हुआ, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ था। तो आपको इस इक्वेशन में ध्यान रखना है, यदि हमें सम ऑफ जीरोज या कोई भी जीरोज या अल्फा और बीटा दिया रहेगा तो उसका ये फॉर्म होता है। अगर फॉर्म वैल्यू दिया हुआ तो आपको डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करके यहाँ से इसके इक्वेशन को फाइंड कर लेना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था, तो उसमें क्या दिया, सम ऑफ जीरोज और
प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया होता। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जिसका जीरोज आपको दिया हुआ है, माइनस थ्री और फोर दिया हुआ है। अब वो पूछ रहा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या होगा, तो यहाँ पे आपको अल्फा दे दिया है कितना, माइनस थ्री, और आपको बीटा दिया कितना, फोर। ठीक है, तो आपको वही फॉर्म यूज करना है, जब भी आपको अल्फा बीटा दे देगा तो उसका फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। आपको इसी फॉर्म पे इस वैल्यू को पुट करके इसका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फाइंड करना है आपको। तो वैल्यू पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू नहीं दिया, अल्फा और बीटा दिया है, इसका सम नहीं दिया आपको। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस थ्री है, और प्लस बीटा कितना है, फोर है, इंटू एक्स प्लस माइनस थ्री इंटू फोर। इसको सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस थ्री प्लस फोर, तो इसमें घटेगा तो वन एक्स, वन एक्स आ जाएगा माइनस एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करते प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फोर से जा ट्वेल्व, तो ये आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इसका आंसर कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आएगा। अब देखो आपको आंसर भी, आपको जो ऑप्शन दिया है वो भी कन्फ्यूजिंग आंसर दे दिया है। ठीक है, तो आपको आया ये आंसर, आपको इसमें से आंसर उस सब नहीं दिख रहा है, तो आखिर से कौन सा वैल्यू होगा, तो आप यहाँ पर चेक करो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। ठीक है, यहाँ भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, लेकिन ट्वेल्व किस में प्लस में, यहाँ ट्वेल्व किस में प्लस में, तो यहाँ तो ये ऑप्शन दोनों नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, और ये भी नहीं होगा कि यहाँ पर 24 दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ प्लस में दिया हुआ है, इसका मतलब तो जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन सी होगा। तो आपको हमने बताया किस तरह इसका आप जो गलत ऑप्शन उसको कैसे इसको आप रिमूव कर सकते हो। अब है कि इसका करेक्ट आंसर कैसे फाइंड करते हो, आप देखो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन सी होगा, इसको कैसे फाइंड कर सकते, देखिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई टू माइनस एक्स बाई टू माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो ले सकते हैं, और इसका एस सेम कितना जाएगा, टू आ जाएगा, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसका आ जाएगा माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ये जाएगा इधर, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व, इसका मतलब आपको आपका ऑप्शन क्या जाएगा, सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, जो इसमें से के है उस के का मान फाइंड करना, और दिया होगा इसमें से इसका एक जीरो कितना है, माइनस थ्री है। यदि इसका एक जीरो माइनस थ्री है, इट मीन्स ये हमारा पी एक्स बन जाएगा। ठीक है, दिस इज द पॉलीनोमियल के माइनस वन का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स अब प्लस वन। यदि इसमें से इनका एक जीरो दिया हुआ, यदि एक जीरो दिया हुआ, इसका मतलब है कि एफ अल्फा, ठीक है, हम अल्फा दिया हुआ है, तो एफ अल्फा इक्वल क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, और हमें अल्फा कितना दिया हुआ है, एक दिया माइनस थ्री, तो यहाँ पे एक्स का मान क्या पुट करेंगे, माइनस थ्री को से पुट करके यहाँ से के का मान फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, के माइनस वन का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और एक अल्फा दिया हुआ है कितना, माइनस थ्री, तो एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो के माइनस वन इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस के इंटू एक्स कितना है, माइनस थ्री है, और प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमको दिया हुआ कि ये क्या है, जीरो दिया हुआ, एक जीरो, तो एक जो दिया हुआ मतलब जो हमारा एक्स है क्या, जीरो ही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जहाँ पे एक्स है उस जगह पे माइनस थ्री के वैल्यू को पुट कर लेंगे, और इसको एक जीरो से इक्वेट करें, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि ये इनमें से एक जीरो दिया हुआ, अगर जीरो दिया उसका मतलब जो पॉलीनोमियल होगा वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, के माइनस वन इंटू इंटू नाइन, ये हो जाएगा माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा नाइन के माइनस नाइन माइनस थ्री के प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करेंगे तो नाइन में से थ्री गया तो हो जाएगा सिक्स के माइनस नाइन में से एट गया तो कितना जाएगा माइनस एट इक्वल टू जीरो, इसको आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सिक्स के माइनस एट इक्वल टू जीरो, देखो सिक्स के इक्वल टू जाएगा एट, और यहाँ से k का मान हो जाएगा कितना, एट बाई सिक्स, इसको दो से काटेंगे तो आ जाएगा फोर बाई थ्री, तो k का मान कितना जाएगा, फोर बाई थ्री, ऑप्शन ए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या किया हमने, हमने क्या किया, ये हमको इक्वेशन दिया हो तो इस इक्वेशन का एक जीरो दिया हुआ है, जीरो का मतलब हो गया कि x का मान दिया हुआ मुझे। ठीक है, तो अगर x का मान जीरो दिया और कह रहा कि एक जीरो है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम जो x का जो मान दिया हुआ यहाँ पे, मतलब अल्फा दिया हुआ, उस अल्फा को हम इस यहाँ पे पुट कर लेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, k का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है,
इस तरह इसका सॉल्यूशन निकलता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।